वीडियो गेम जिसे हर व्यक्ति ने अपने जीवन काल में एक बार तो जरूर खेला होगा, और वीडियो गेम खेलने में सभी को अच्छा लगता है। लेकिन वीडियो गेम के कुछ अपने फायदे और नुकसान हैं, और क्या है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सेक्शन 69A जिसके तहत पबजी को बैन किया गया था, और अब सेक्शन 69A की तलवार BGMI के सर के ऊपर टंगी हुई है। तो जानेंगे इन्हीं सब के बारे में आज के इस वीडियो में। वीडियो गेम का नाम सुनते ही बच्चों और बड़ों दोनों के चेहरे पर एक अनकही सी मुस्कान आ जाती है। वीडियो गेम को लगभग सभी लोग पसंद करते हैं, लेकिन जो चीज लोगों को खुशी दे सकती है वह उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे वीडियो गेम खेलने के फायदे के बारे में। एक अध्ययन से यह पता चला है कि जो लोग वीडियो गेम खेलते हैं वह अपने काम को बेहतरीन ढंग से करते हैं। वीडियो गेम केवल बच्चे ही नहीं, इंजीनियर, डॉक्टर, प्लेयर, यहाँ तक कि सर्जन भी खेलते हैं। जिन लोगों ने 3 घंटे प्रतिदिन गेम खेला है वे 32% सटीक और प्रभावी ढंग से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, और जो लोग गेम खेलते हैं उनका IQ लेवल भी बढ़ता है। जो लोग सप्ताह में 30 घंटे गेम खेलते हैं वे उन गैर गेमर के मुकाबले मुश्किल रंगों को अलग करने में सक्षम होते हैं। कुछ परीक्षण के नतीजे बताते हैं कि वीडियो गेम खेलने वाले लोगों की आंखों में सुधार देखा गया है। वीडियो गेम ने ध्यान और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाया है। अध्ययनों ने यह साबित कर दिया है कि जो लोग गेम खेलते हैं वे बेहतरीन ढंग से निर्णय लेते हैं। अक्सर गेमर्स मल्टीटास्किंग भी होते हैं। वीडियो गेम दिमाग की काम करने की क्षमता को बढ़ा देता है। जिस तरह किसी भी तथ्य के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह वीडियो गेम के भी 2 पहलू हैं। पहला पहलू यानी वीडियो गेम खेलने के फायदे के बारे में तो जान लिया, अब दूसरा पहलू यानी वीडियो गेम खेलने के नुकसान के बारे में जानते हैं। आक्रामक विचार और व्यवहार। द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अध्ययन ने यह साबित कर दिया है कि हिंसक खेलों के संपर्क में आने से बच्चों के विचार और भावनाएं भी आक्रामक हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप कई घटनाएं घटी है। सामाजिक रूप से अलग होना। जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं जैसे घर का काम, आउटडोर गेम, पढ़ाई, एक्सरसाइज और इसी तरह के कई एक्टिविटी में उनका रुचि कम होने लगता है। स्वास्थ्य मुद्दे। ज्यादा वीडियो गेम खेलने से स्वास्थ्य समस्याएं भी आती है, जैसे दिल का दौरे का जोखिम, मोटापा और लत उनमें से कुछ है। यह बच्चों के लिए तो गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन वयस्कों को पता है कि यह कितना खतरनाक है। बच्चों के लिए स्वास्थ्य जोखिम है वीडियो गेम के दौरे, कंकाल विकार और मांसपेशियों में समस्याएं। माता पिता की चिंताएं। वीडियो गेम कितना ज्यादा हिंसक है यह माता पिता के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता है। इस समस्या से बचने के लिए बच्चों की निगरानी करना महत्वपूर्ण है। वीडियो गेम की वास्तविकता और वास्तविक दुनिया के बीच का अंतर समझाना भी माता पिता के लिए महत्वपूर्ण है। के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार देती है कि वे किसी भी ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक कर सकते हैं और साइबर क्राइम करने वाले को गिरफ्तार कर सकते हैं। इस एक्ट के तहत कोई भी देश किसी भी ऐप को बैन कर सकता है और सोशल मीडिया से वायरल वीडियो को डिलीट कर सकता है जो कि आपराधिक घटनाओं को बढ़ावा देता है। पबजी इसी लॉ के तहत इंडिया में बैन किया गया था, क्योंकि पबजी इंडिया का डाटा को चीन को दे रहा था या इंडिया का डाटा को प्राइवेट नहीं रखा था, इसलिए इंडिया में पबजी को बैन कर दिया गया था। अब क्योंकि पबजी सभी का लोकप्रिय गेम बन गया था, इसलिए सरकार ने पबजी जैसा ग्राफिक और मोशन वाले गेम को क्राफ्टन की मदद से इंडिया में लॉन्च किया, जिसे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया नाम दिया गया। क्राफ्टन एक कोरियन कंपनी है जो कि एक गेमिंग कंपनी है। क्राफ्टन का रोल पबजी में भी था, इसलिए सरकार ने आपत्ति जताई है कि वे फिर से इंडिया का डाटा चीन को भेज रहे हैं। इसलिए सरकार ने BGMI को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से टेम्पररी अनलिस्टेड कर दिया है, लेकिन सरकार ने अभी तक यह ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है कि BGMI इंडिया में बैन है। सरकार ने क्राफ्टन को कुछ दिनों का समय दिया है ताकि वे साबित कर सके कि वे इंडिया का डाटा को प्राइवेट रखे हैं। उसके बाद BGMI प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में वापस दिखने लगेगा।